बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ न्यूज क्लिक की टीम के साथ जंतर मंतर पर। इस समय मेरे पीछे एक हुजूम है, एक गुस्सा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए देश के अनेक कोने से महिलाएं आई हुई हैं, सफाई कर्मचारी महिलाएं आई हैं। वे महिलाएं आई हुई हैं जिन्होंने अपने परिजनों को सीवर और सेप्टिक टैंक में खोया और जिनकी मौतों के बारे में मोदी सरकार ने भरी संसद में झूठ बोला। ये सफाई कर्मचारी आंदोलन का राष्ट्रीय अभियान है जिसमें वे सरकार से पूछ रहे हैं कि कैसे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ 2023 में 9 लोग मारे गए, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि 60 भारतीय नागरिकों की सीवर और सेप्टिक टैंक में हत्याएं हुई हैं। जाति का सवाल है, जातिगत उत्पीड़न का सवाल है, और उससे बड़ा सवाल है सरकार का झूठ। सरकार का झूठ जो बार बार, एक बार नहीं अनेक बार सदन के भीतर मोदी सरकार इन मौतों को लेकर झूठ बोल रही है, इसे छुपा रही है, और साथ ही साथ मैला प्रथा के खात्मे के लिए सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतों को रोकने के लिए उसने बजट को कम कर दिया है, बहुत सी स्कीमों को गायब कर दिया है। यह गुस्सा इस समय देश की राजधानी दिल्ली में फूटा है सड़कों पर। बंद करो, बंद करो, हमें मारना 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 बंद करो। विल्सन, स्टॉप किलिंग अस, इस समय जंतर मंतर पे क्यों क्यों है? तो अभी पार्लियामेंट पे मंत्री ने कहा सीवर का गटर का अंदर ये देश पे कोई नहीं मारा, सो उनका परिवार का लोग इधर आया, वो गवाह आया, वो बता रहा है हमारा परिवार पे कितने लोग ने अभी तक मर चुका। सो ये संख्या सरकार का दिखाने का, सिविल सोसाइटी का, सबका, देश का बताने के लिए मंत्री संसद पे झूठ ना बोलो, हमें मारना बंद करो, ये दोनों लेके वो लोग ने इधर आ गया। सरकार पिछले 11 मई से चल रहा है स्टॉप किलिंग अस, सरकार का क्या रिस्पांस अभी तक है? सरकार तो आज तक कुछ भी जवाब नहीं देते। ये सरकार हमारा का नहीं, किसी का भी, ये देश का नागरिक कभी बाहर आके कुछ भी बोलेगा इसका जवाब देना वो बिल्कुल तैयार नहीं है। बट उनका 2000 और एक साल है, एक साल का अंदर हम भी बताएंगे आपका, किसी का भी नागरिक का बात नहीं सुने तो क्या हो जाएगा, मोदी सरकार का पता हो जाएगा। लेकिन इस बार तो उन्होंने बजट में कहा कि मेन होल टू मशीन होल नमस्ते स्कीम लॉन्च की काफ़ी चर्चा हुई इस पर। हमारा लोग के लिए, हमारा इंसान के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, उनका पुनर्वास के लिए एक ही योजना थी पहले, ये SRMA स्कीम, वो स्कीम का वो हटाया, इसका बजट ने अभी जीरो बनाया। हमारा बजट कौन जीरो बनाया? उनका जीरो बनाने के हम सारे इधर आ गया, आगे नेक्स्ट ईयर उनका जीरो बना के हम लोग दिखाएंगे। हमारा का बजट का जीरो कौन बनाया, उनका क्या करेंगे? जीरो बनाएंगे, उनका जीरो हम बनाएंगे। आपका क्या नाम है और क्या हुआ था आपके घर में? जी मैम, मेरा भाई काम पर गए थे, वो लेके गए थे, मतलब जो काम सफाई वाले थे तो लेके गए थे। अगले दिन आते हैं, वो कहते हैं आपका भाई कहाँ है, और हमारा भाई कब का मर गया था, एक दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। अगले दिन बता, नाम आपके भाई का और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है, मेरे भाई का नाम कृष्णा था। कहाँ काम करते थे, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम देहरादून में रहते हैं, देहरादून में पटेल नगर में रहते हैं। बेटा मर गया था मेरा जी, जी सिविल लाइन में। कहाँ पर? उत्तराखंड में देहरादून में। जी केस चला, कोई गिरफ्तार हुआ? केस चल रहा था, गिरफ्तार हुआ, वो होके फिर वो वापस हो गया, वकील सकील ने अपना करकुरा के ले दे के कर लिया अपना काम। बाकी 10 लाख रुपया मिला था, अब होता क्या है महंगाई के ज़माने में 10 लाख का क्या होता है? लालों का लाल था, करोड़ों का लाल था, क्या होता है? कुछ नहीं होता। गरीब किसी को नौकरी मिली या किसी को नौकरी का आश्वासन? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे घर में तो कोई मैम है भी नहीं ऐसा जो कमा के दे सके, एक छोटा भाई है बस। इनके मामले में ऐसा हुआ कि इनका 10 साल लगभग केस चला और इन्हें बीच बीच में जाना पड़ता रहा, लेकिन जो इनके गवाह बने थे बीच में वो गवाह ही खरीद लिए गए या उन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया उन्होंने, और न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। और इनसे भी यही कहलवा दिया गया कि जी मेरा बेटा तो घटना का शिकार हुआ है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जबकि हकीकत ये थी कि उसे ठेकेदार को अच्छा खासा पता था, जिस डॉक्टर के यहाँ वो कार्य हो रहा था सीवर रिपेयरिंग का, वो भी, उसे भी पता था ये बहुत दिनों से ब्लॉक पड़ा है, इसमें कोई ना कोई घटना हो सकती है।
मेरे पापा सेफ्टी टैंक होती है ना वो साफ करने को गए थे ना, तब वो गिर गए थे काम करते तक। आपको पता था कि आपके पापा ये काम करते हैं या डेथ के बाद पता चला? नहीं, मेरे पापा ये काम करते हैं, मुझे मालूम था। हाँ, आपको डर लगता है? आप कौन से, आपका नाम क्या है और आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं 12वीं पढ़ रही हूँ। हाँ, ये भी आपके पापा की फोटो है। क्या नाम है आपका? जय कांबळे। जय कांबळे। जय कांबळे। पापा का नाम? रूपचंद कांबळे। कब पता चला आपको कि पापा की डेथ हुई, कैसे हुई? उसी दिन शाम को पता चला। शाम को पता चला। क्या लोगों ने बताया कैसे डेथ हुई? वो गिर गए ऐसा बताया। कहाँ गिर गए बताया? उधर मैं मतलब वो सेफ्टी टैंक के अंदर गिर गए। सेफ्टी टैंक के अंदर। हाँ। आपका क्या नाम है बच्चा? आरुष वांगमारे। अच्छा, ये फोटो किनकी है? मेरे पापा की। क्या नाम है? पद्माकर वांगमारे। कैसे डेथ हुई पापा की आपके? वो सेफ्टी टैंक में गिर गए। सेफ्टी टैंक में गिर गए थे। यस। यहाँ आप दिल्ली क्यों आए हैं आप सारे लोग? हमें न्याय चाहिए, हमारे पापा, हमें न्याय चाहिए। हम मेरी माँ कहा जाती है ना, वो बोलते हो रहा है काम पर, तो नहीं हो रहा। अभी डेढ़ साल हुआ है, तब भी तक नहीं हुआ कुछ भी। कुछ भी नहीं हुआ। क्या किसी को नौकरी मिली घर से? आपके माँ को नौकरी मिली? कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलते हैं काम मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक मेरी माँ कोर्ट के चक्कर ही काटते हैं। क्या आप बनना चाहती हैं? मेरी माँ को मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा पैसा मिला था, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। वो बोले थे आपको घर देंगे, नौकरी देंगे, बच्चों को स्कूल का सब फी भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे का जो स्कूल का फी है वो लोग भरे और हमारे लिए घर और नौकरी दे। आधे सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई गिरफ्तार भी नहीं? कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़े से पैसे मिले हैं, पैसों से सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने बोला 10 लाख का मुआवजा दिया उन्होंने? हाँ, आधा दिया है, आधा बाकी है। उन्होंने कहा था घर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाएंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 1.5 साल हो गया, हम बार बार जाते हैं, वो वही बोलते हैं प्रोसेस चालू है उसका, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के बारे में अभी जो संसद में बोला रामदास अठावले जी ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 मौतें हुई हैं इस साल। सरकार आंकड़ा सही बताती नहीं है, ये छुपाना चाहती है अपनी नाकामयाबी। और ऐसे भी कुछ लोग हैं कि इसके पहले 2023 से पहले जो कुछ डेथ हुआ है तो कम से कम 65 लोगों की डेथ हुई है 2023 से पहले की, जो आपके पास आंकड़े हैं। और ये आंकड़ा बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 120 या 130 है। पुरानी डेथ केसेस की अगर बात करें 93 से जो एक्ट अभी लागू हुआ है तो कम से कम वो पुरानी डेथ 1000 के आंकड़ा के ऊपर जाती है। ये आज तक सरकार के पास ये डाटा नहीं है कि महाराष्ट्र में मुआवजा भी क्यों नहीं देते हैं और कुछ नहीं करते जी। वहाँ पे अभी तक सरकार ये कहती है कि हम लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे और फिर मुआवजा देंगे। तो हमने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए आपको और कितना समय लगेगा? तो अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ अभी जो सरकार मौत का क्या वेरिफिकेशन करेंगे? मौत तो गटर में हुई है ना, सीवर में मरे हैं लोग, वो तो खबरें भी छपी हैं, हमने देखा है। जी जी, उनको वो अधिकारी जो है तो अभी समय नहीं है ये बताते हैं। और अभी तक उनको ये भी कि हमने सारे अधिकारियों को एक मेमोरेंडम भी दिया है तो उसके बाद में भी वो अभी तक उनकी कोई सुध लेने वाले है ही नहीं। ये सरकार इतनी नींद पे सोई हुई है कि ये जाग नहीं सकती है। मेरा भाई था छोटा, हम 5 भाई बहन है, मम्मी पापा भी पहले से नहीं थे, हमारे घर में कोई नौकरी वोकरी की भी जरूरत थी फिर भी नहीं मिलती थी हमको। और मेरा भाई को हमारे पास में एक कंपनी पायरेट कंपनी जो मेरे भाई को ले गए थे, बोला था भाई कोई मिल नहीं रहा था उनको, तो 15 दिन से पीछे पड़ रहे थे कि तू कर ले तेरे को पैसे दे देंगे। तो मेरे भाई ने सोचा वहाँ कर लूँ मैं, राशन के पैसे भी आ जाएंगे, तो ये सोचकर वो चला गया था। और वहाँ पे सिर्फ 3 लड़कों को ही ले गए, तो सुनसान जगह थी, 12 फीट का वो टैंक था,
ना वहाँ पे रस्सी थी, ना कोई सीढ़ी थी, ना ऑक्सीजन की सुविधा थी। और उसके बाद से अभी तक कुछ हुआ है इस मामले में? कोई गिरफ्तारी हुई है, मुआवजा मिला या नौकरी मिली कुछ? नहीं, बोला भी था कि नौकरी दे देंगे भाई को और एक बहन को, नौकरी दिला देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना नौकरी मिली ना कोई पैसे वैसे मिला अभी तक भी। अभी जैसे पूरे देश में चर्चा चल रही है कि किस तरह से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक टीचर अपमान करती है मुस्लिम बच्चे का, उसी तरह का एक इंसिडेंट लेकिन उससे ज़्यादा भयानक एक इंसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता हमारे साथ हैं। स्कूल में दलित बच्चे को टीचर ने इतना जलील किया कि उसने घर आकर आत्महत्या कर ली। उनके पिता हमारे साथ हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, सफाई कर्मचारी समाज से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश माधुमुकने, माधुमुकने। कहाँ रहते हैं आप? मैं विरार वेस्ट में। विरार वेस्ट में रहते हैं? हाँ। तो क्या स्कूल के क्या हुआ था? आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो नौवीं में पढ़ता था, नौवीं में पढ़ता था वो। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम में मैं मतलब ऐसा रिक्शा चलाता था, तो मैं रिक्शे पे गया था, तो दोपहर के टाइम में सोमवार का दिन, श्रावण महीना सोमवार के दिन हो, दोपहर के टाइम में हुआ। बोलते मेरे को सर ने अभी कुछ किया टीचर का, हुआ कुछ स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। मैं पालघर से आ रही हूँ। पालघर महाराष्ट्र, मुंबई के पास हुआ? हाँ, जी। पालघर से। तो मेरा नाम लता रमेश मुकने। लता। कितनी उम्र है लता जी आपकी? मेरा तो 45 तक है। अच्छा, ये कब हुआ और आपके बेटे की डेथ हुई? अभी जो ये 3 साल हो गए, 3 साल हो के जो चौथा जो साल चालू हो गया, 2020 में हुआ था। हाँ, 2020 में हो गया था। ऐसा करके जो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था तो बेटे लोग काम पे गए, कुछ काम नहीं रहेगा तो जाएगा नहीं किधर। तो ऐसा 4 जन का मौत हो गया, जो एक गिर गए तो एक के लिए निकालने के लिए गए तो दूसरा गिर गया, दूसरा के निकलने के लेकर गए तो तीसरा गए, चौथा निकलने के लिए तो वो भी गए। तो 4 लोगों की डेथ हुई? हाँ, 4 लोगों की डेथ हो गई। तो इसका ये 3 जन का जो छोकरे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मीरा रघुनाथ भोई है, मैं पालघर जिले से आई हूँ। मेरे को हिंदी नहीं ज़्यादा आता है। आप मराठी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। माझं नाव मीरा रघुनाथ भोई आहे, मी पालघर जिल्ह्यामधून आलेले आहे। माझा मुलगा नयन रघुनाथ भोई हा 24 वर्षाचा असताना 17 एप्रिल 2020 लॉकडाऊन होत असल्यामुळे आम्हाला म्हणजे खूप खाण्यापिण्याची पैशांची टंचाई होती, आणि या मुलांना बोलवून घेतलं ते आम्हाला माहीत नव्हतं। एक कामाच्या निमित्ताने गेलेत, कारण तो घर सांभाळणारा माझा मोठा मुलगा नयन भोई होता, कारण त्याच्यावर ते आमचं घर चालायचं। आणि तो सकाळी जेव्हा उठून त्याला फोन करून बोलवून घेतलं, आणि तो आम्हाला न सांगता न गेल्या मुले मला काहीच माहीत नाही, आणि तिकडे काय झालं सेफ्टी कॅनमध्ये ते त्यांचं जेव्हा बॉडी बाहेर काढली हॉस्पिटलमध्ये तेव्हा आम्हाला कळालं। पण तो मुलगा गेल्यापासून पूर्ण आमचं घर खाली झालं की मला सांभाळणारा एक माझा नयनच होता, कारण छोट्या मुलाला अजून नोकरी नाही आहे, बस मी पुढे नाही बोलू शकत। मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है और खास तौर से सफाई कर्मचारी महिलाओं की जो नाराजगी है, उससे एक बात बहुत साफ होती है कि जिस तरह से लगातार झूठ बोला जा रहा है वह मोदी सरकार के लिए खास तौर से 2024 में भारी पड़ेगा, क्योंकि दलितों को वोट को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार लगातार जो काम कर रही है, वो गुस्सा जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो हकीकत बता रहा है कि जमीन पर जब सीवर और सेप्टिक टैंक में भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके बारे में भी मोदी खुद चुप हैं, उनकी सरकार झूठ बोल रही है और पैसा एक रत्ती खर्च नहीं कर रही है। जिस समय देश की राजधानी और पूरे भारत में G20 को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ठीक उसी समय चंद्रयान पे पहुंच रहा है भारत, लेकिन गटर में सफाई के लिए, तकनीक के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही। गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है।